हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। अभी हम पोखरा के बिंदवासिनी टेंपल में हैं। यहाँ पे एक शिवा टेंपल है जो कि काफ़ी पुराना है। इसके सामने मुझे रुद्राक्ष का पेड़ भी दिखाई दिया जो कि मैंने पहली बार देखा। ये जगह काफ़ी अच्छी है, पोखरा के बिल्कुल पास में है। वहाँ से हम अभी गए घूमने इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम जो कि पोखरा में है। ये जगह काफ़ी क्लीन है, यहाँ के लोग काफ़ी रूल फॉलो करते हैं और ये सफाई जो है पूरे पोखरा में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जाने के टिकट लगते हैं, टिकट आपको गेट पे मिल जाएगा और पोखरा में आपको ईजली 500 से कम इंडियन रुपीज़ में स्कूटी मिल जाएगा रेंट पे, जिससे कि आप पूरा पोखरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने स्कूटी लिया था और गेट पे ही पार्किंग पे लगा दिया था क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, और फिर वहाँ से वॉक करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी जगह है बैठने के लिए, रेस्टोरेंट भी अंदर बने हुए हैं, लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वेदर काफी अच्छा था, हल्की हल्की धूप थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और हमें काफी अच्छा फील हो रहा था। इन्होंने इस म्यूज़ियम को काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, म्यूज़ियम के सामने काफ़ी ग्रीनरी रखी है, काफ़ी ढेर सारे फ्लावर्स, और इनके वर्कर हर टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं इसकी सफाई के लिए। ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी यहाँ। थोड़ा सा वॉक करने के बाद म्यूज़ियम आ गया। अंदर जाने के बाद आपको नेपाल की सच्चाई पता लगेगी, नेपाल का कल्चर, नेपाल की जातियाँ, नेपाल के माउंटेन सारे आपको मालूम पड़ेंगे। नेपाल में बहुत ही फेमस ट्रैकिंग है ABC, जिसको बोलते हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप,
जिसके बारे में आपको बहुत ही यहाँ से जानकारियाँ मिलेंगी। आप सारे माउंटेन को यहाँ से देख पाएंगे और जिन लोगों ने भी चढ़ाई करी है उनके रिकॉर्ड्स आपको पता चलेंगे, हिस्ट्री क्या रही है सब कुछ यहाँ से पता लगेगा आपको। खूबसूरत बनाया है, यहाँ पे काफ़ी रश तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा है। यहीं पे एक बुद्धा का स्टैचू भी है और नेपाल में जिस देवता को लोग पूजते हैं उनका भी स्टैचू बना रखा है। काफ़ी अच्छी जगह है, एनवायरनमेंट काफ़ी यहाँ पे शांत है। यहाँ से अब हम निकल रहे थे, यह आर्टिफिशियल स्नो बनाया गया है। साइड में कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ हमने सोचा कि कुछ देर बैठ करके टाइम स्पेंड करेंगे फिर निकलेंगे। पिछले कई दिनों से हम पोखरा में घूम रहे थे, कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ के वीडियोस हमने क्लिक नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल भी स्विच ऑफ था। पोखरा के आसपास में ही आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जगह मिल जाती हैं जहाँ पे आप जाकर के उस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। पोखरा बहुत ही खूबसूरत लगा, यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे डेंसिटी कम है लोगों की, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, लोग रूल्स फॉलो करते हैं, ये यहाँ की खूबसूरती है। पोखरा में ही स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा है जो कि काफ़ी दूर से दिखाई देता है, काफ़ी ऊंचाई पे है, 100+ फीट ऊंचाई पे है, काफ़ी दूर से दिखाई देता है।
इसका कुछ टाइमिंग है, शाम के टाइम पे 6:30 या 7 बजे ये जगह बंद हो जाती है। यहाँ पे आपको अपने व्हीकल से आना होता है, क्योंकि आप जब भी पोखरा घूमने जाएंगे तो ये जगह आप जरूर जाना, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। पोखरा में एक पब है आयरिस नाम से, जहाँ पे एज यूजुअल हम लोग जाते थे। आज हमें इंडियन आर्मी के कुछ गोरखा रेजिमेंट के लोग मिले थे, जिनके साथ हम काफी मस्ती कर रहे थे। अभी कुछ चीजें थी जो पोखरा में हमसे छूट गई, जैसे कि अन्नपूर्णा बेस कैंप। और अन्नपूर्णा बेस कैंप इतना बड़ा है, 3-4 दिन की भी ट्रैकिंग है इसमें, लेकिन अगर पूरा आप ट्रैक करोगे तो कई महीने लग जाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत है ये। अभी के लिए इतना ही, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें,